दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पुंडराठी और हमारे गुरुजीज व्लॉग यूट्यूब चैनल में मैं आपका जनपूर्वक स्वागत करता हूं। दोस्तों श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुताबिक इस साल की बाबा अमरनाथ की यात्रा 23 जुलाई 2020 को शुरू हो रही है और कोरोना के संकट के कारण इस साल की यात्रा का समापन 3 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। दोस्तों ये जो अमरनाथ की यात्रा होती है वो बहुत रोमांचकारी और अद्भुत होती है। दोस्तों ये जो यात्रा है मैं खुद 2 बार कर चुका हूँ। एक बार मैं वालटाल से यात्रा कर चुका हूँ और एक बार मैं पहलगाम से, और दोनों ही बार मैंने ये पूरी यात्रा पैदल पूरी की है। और आज हम इस वीडियो में इस यात्रा के बारे में बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं, जैसे कि अमरनाथ की गुफा की खोज कब हुई, यात्रा कैसे करेंगे, यात्रा पर कौन कौन से रूट आते हैं, सब भी के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों करते हैं इस यात्रा का प्रारंभ। श्री अमरनाथ गुफा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमरनाथ गुफा हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित एक पर्वत की गुफा है। समुद्र तल से 3,980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। दोस्तों अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बाटल से जाता है, यानी देश भर से किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बाटल पहुंचना होता है। इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। दोस्तों पहलगाम से अमरनाथ जाने का रास्ता सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। अगर आपके पास समय है तो इसी मार्ग से ही आप यात्रा करें, क्योंकि हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद आप ले सकते हैं। दूसरा मार्ग बालटाल से जाता है। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है, लेकिन यह मार्ग पार करना मुश्किल भरा होता है। श्री अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसे अमरेश्वर भी कहा जाता है। ये बहुत ही गलत धारणा फैलाई गई है कि इस गुफा को पहली बार किसी मुस्लिम ने 18वीं-19वीं शताब्दी में खोज निकाला था, लेकिन वह गुज्जर समाज का एक गडरिया था जिसे बुटा मलिक कहा जाता है। दोस्तों क्या गडरिया इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन नहीं के बराबर रहती है वहां अपनी बकरियां को चराने ले गया था? स्थानीय इतिहासकार मानते हैं कि 1869 में ग्रीष्मकाल में गुफा की फिर से खोज की गई और पवित्र गुफा की पहली औपचारिक तीर्थ यात्रा 3 साल बाद 1872 में आयोजित की गई थी। इस तीर्थ यात्रा में मलिक भी साथ थे। स्वामी विवेकानंद ने 1898 में 8 अगस्त को श्री अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और बाद में उन्होंने यात्रा के बारे में कहा था कि बर्फ का लिंग स्वयं शिव है। मैंने ऐसी सुंदर, इतनी प्रेरणादायक कोई चीज अभी तक देखी नहीं और नहीं किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया है। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और
नैमिषारण्य से हजार गुना पुण्य देने वाला श्री बाबा अमरनाथ का दर्शन है। गुफा के दर्शन के बारे में आप जानकारी लेते हैं। इस गुफा का महत्व इसलिए है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष यहाँ रहकर तपस्या की थी, तो यह शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। अब अमरनाथ की कहानी के बारे में जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ इसी रहस्य को शुभ तोता और दो कबूतरों ने भी सुन लिया था। यह शुभ बाद में शुभदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य पिसों को पिसू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आप भी अद्भुत और रोमांचित करने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा एक बार जरूर करें। धन्यवाद।